दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, माय नेम इज विकास, यू आर वाचिंग नेगा न्यूज। दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले वनडे मैच के बारे में, साथ ही इस मैच में किन खिलाड़ियों का रहा शानदार प्रदर्शन, तो चलिए शुरू कर दें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे मैच में 34 रन से हराकर जीत हासिल की। मैच के अंतर बने रिचर्डसन ने जिन्होंने 10 ओवर में 2.60 की इकोनॉमी रन से 26 रन पर 4 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 289 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 50 ओवर में सिर्फ 9 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना पाई। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी कर 129 गेंदों पर 6 छक्के और 10 चौके की मदद से 133 रन बनाए। वही मैच के दौरान 44 ओवर की तीसरी गेंद पर ओवर में भागते समय बाल बाल बचे था भारतीय दिग्गज, वरना हो सकता था भारत को बड़ा नुकसान हुआ था। ये की रिचर्डसन ने जब भुवनेश्वर कुमार को गेंद डाली तो भुवनेश्वर कुमार ने गेंद को सामने खेलने की कोशिश की, उधर थे फील्डर ने गेंद को रोका। वही दूसरी तरफ खड़े थे रोहित शर्मा ने गेंद को मारने के बाद तुरंत दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जब गेंद को देखा कि फील्डर के पास गेंद है तो उन्होंने तुरंत स्टंप के पास आने की कोशिश की। उस भाग दौड़ में वो स्टंप पर सीधा जाकर घुस गए। वो तो अच्छा हुआ कि रोहित शर्मा धीरे धीरे स्टंप के अंदर घुस गए, अगर भागने में तेजी होती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 3 मैच की वनडे सीरीज में भारत को पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 34 रनों से हरा कर इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। हालांकि इस सीरीज के पहले वनडे मैच में कई शानदार रिकॉर्ड बने, तो आज हम इस रिकॉर्ड के बारे में देखते हैं कि कौन से 11 रिकॉर्ड बने इस मैच में। रिकॉर्ड नंबर 1, MS धोनी ने भारतीय टीम के लिए खेलते हुए अपने 10,000 रन पूरे कर लिए। धोनी ने कुल 10,224 रन वनडे के लिए बनाए, जिसमें से 173 रन उन्होंने एशिया 11 के लिए खेलते हुए बनाए थे। रिकॉर्ड नंबर 2, धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 68वां अर्धशतक लगाए हैं। रिकॉर्ड नंबर 3, रोहित शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 22 शतक लगाए हैं। रिकॉर्ड नंबर 4, रोहित शर्मा ने आज अपना 2200 शतक लगाकर सौरव गांगुली के 22 शतकों की बराबरी कर ली है। भारतीय खिलाड़ियों में रोहित से ज़्यादा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाई है। रिकॉर्ड नंबर 5, रोहित शर्मा ने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 64 वनडे अंतर्राष्ट्रीय छक्के पूरे कर लिए। यह किसी भी टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं। यह रिकॉर्ड सबसे पहले शाहिद अफ्रीदी ने नाम का, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कुल 63 छक्के लगाए थे। रिकॉर्ड नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया धरती पर रोहित शर्मा ने 26 छक्के लगाए, उन्होंने शाहिद अफ्रीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शाहिद अफ्रीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 छक्के लगाए थे। रिकॉर्ड नंबर 7, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 7वां शतक लगाया। रोहित से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा 9 शतक सचिन तेंदुलकर के नाम है। रिकॉर्ड नंबर 8, धोनी ने आज 51 रन की पारी खेली। जनवरी 2018 से यह सबसे बड़ा उनका वनडे का स्कोर था। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जोहान्सबर्ग में 42 रन की नाबाद पारी खेली थी। रिकॉर्ड नंबर 9, आज विराट कोहली मात्र 3 रनों पर आउट है। वह 482 दिन बाद 21 पारियों के बाद सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए। रिकॉर्ड नंबर 10, कुलदीप ने आज अपने वनडे क्रिकेट करियर के 100 विकेट पूरे कर लिए। वह 96 मैच में 101 विकेट हासिल कर चुके हैं। रिकॉर्ड नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली ऐसी टीम बनी जिसने कुल 1000 अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल की है। दोस्तों भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाज और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी SSG पर खेले गए मैच में भारत को 34 रनों से मात दी। इसी के साथ मेजबान टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। 289 रन के लक्ष्य का पीछा करने होते भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 133 रन की शतकीय पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद 9 विकेट गंवाकर सिर्फ भारतीय टीम 254 रन ही बना सकी। इस रोहित के अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। इन दोनों को छोड़कर मेहमान टीम की ओर से कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सका। टीम इंडिया की खस्ता हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसके 6 बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा भी पार करने में नाकाम रहे। भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही और उसके 3 बल्लेबाज 4 रन के स्कोर पर पैवेलियन लौट गए।
शिखर धवन शून्य पर आउट हो गए। विराट कोहली 3 रनों पर आउट हो गए। अंबटी रायडू 0 रनों पर आउट होने के बाद टीम इंडिया काफी संकट में आई थी। हालांकि 4th विकेट के लिए रोहित शर्मा और महेंद्र धोनी ने 137 रनों की पार्टनरशिप कर भारत को जल्द ही ढेर होने से बचा लिया। लेकिन धोनी के 141 के कुल स्कोर के आउट होने के बाद रोहित ने किसी से ज्यादा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से टीम लड़खड़ाई गई। जब तक रोहित शर्मा क्रीज पर थे तब तक टीम को जीत की आस थी, मगर उनके पैवेलियन लौटने के बाद भारतीय टीम बिखर गई। रोहित का विकेट 221 के स्कोर पर गिर गया। उन्होंने 129 गेंदों में 10 चौके और 6 शानदार चौके की मदद से 133 रन बनाए। यह उनके वनडे क्रिकेट का 22वां शतक है। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने 12 रन, रविंद्र जडेजा ने 8 रन, कुलदीप यादव ने 3 रन और मोहम्मद शमी ने 1 रन का योगदान दिया। इनके अलावा निचले क्रम के बल्लेबाज आए भुवनेश्वर कुमार ने 29 रनों की छोटी सी पारी खेली और उन्होंने काफी अच्छे शॉट लगाए। उन्होंने 23 गेंदों में अपनी पारी में 4 चौके जड़े। ऑस्ट्रेलिया के लिए जे रिचर्डसन ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 10 ओवर में महज 26 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके अलावा जेसन बेरेंड्राफ और मार्कस स्टेनिस ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। वहीं पीटर सिडल को सिर्फ 1 ही विकेट मिला। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने खराब शुरुआत के बाद उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श और पीटर हैंडसकॉम की अर्धशतक की पारी के दम पर 5 विकेट के नुकसान पर 288 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। इनके अलावा 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टेनिस ने भी अपना अहम योगदान दिया। स्टेनिस और ग्लेन मैक्सवेल नाबाद लौटे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे ऑस्ट्रेलिया टीम को पहला झटका एरन फिंच के रूप में लगा। एरन फिंच 6 रन बनाकर आउट हुए। तब तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 रन हुआ था। इसके बावजूद दूसरे सलामी बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 24 रन बनाए और इसके साथ उस्मान ख्वाजा ने 59 रनों के साथ अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की, लेकिन कैरी 41 के कुल स्कोर पर कैच आउट हो गए। उस्मान को यह मार्च से 54 रनों की साथ मिली। दोनों ने बेहद संभल कर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 100 के पार ले गए, मगर उस्मान के 133 के कुल स्कोर पर पैवेलियन लौटने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम एक बार फिर लड़खड़ाई गई। हालांकि मार्च ने अपना खेल जारी रखा और हैंडसकॉम ने 73 रनों के साथ मिलकर टीम का स्कोर 200 रनों के नजदीक पहुंचा, लेकिन मार्श 186 के कुल स्कोर पर बड़ा शॉट मारने की फिराक में कैच आउट हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 250 रन नहीं बना पाएगी, लेकिन स्टेनिस ने हैंडसकॉम का आखिरी में साथ अच्छा निभाया और दोनों ने तेज तरार रन बटोरे। आखिर में तेजी से रन बनाने की वजह से हैंडसकॉम अपना विकेट गंवा बैठे। वह 48वें ओवर में 254 के कुल स्कोर पर आउट हो गए। हैंडसकॉम के आउट होने के बाद स्टेनिस भी तेजी से रन बनाते रहे। स्टेनिस ने 43 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 47 रन बनाए। वही मैक्सवेल ने 1 चौके की मदद से 11 रन बनाकर वो भी नाबाद लौटे। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाए, वही रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट चटकाया। खराब फॉर्म से जूझ रहे महेंद्र सिंह धोनी ने मुश्किल वक्त में भारत के लिए अर्धशतक की पारी खेली। उन्होंने 6 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। 5वें नंबर पर आए बल्लेबाज धोनी ने टिक कर रन जुटाए। उन्होंने 93 गेंदों में अपने वनडे करियर का 68वां अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक जड़ने के बाद धोनी ज्यादा देर टिक नहीं सके। धोनी को 33 ओवर की दूसरी गेंद पर जेसन बेरेंड्राफ ने पैवेलियन के राह दिखाए। वह बेरेंड्राफ की गेंद पर LBW आउट हो गए। तब तक भारत का रिव्यू भी निकल गया था, क्योंकि भारत का रिव्यू अंबटी रायडू ने अपने आउट होते समय यूज किया था। 4 रन के कुल स्कोर पर 3 विकेट गिरने के बाद धोनी ने रोहित शर्मा का बखूबी साथ दिया। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर 4th विकेट के लिए 137 रन की बेहद अहम साझेदारी की। इस साझेदारी की वजह से मेहमान टीम लड़खड़ाने से काफी हद तक बच गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। मेहमान टीम ने सिर्फ 4 रन बनाकर अपने 3 विकेट गंवा दिए। भारत का पहला विकेट सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 0 पर आउट हो गए। रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने वाले रोहित धवन 0 पर पहले ओवर में आखिरी गेंद पर पैवेलियन लौट गए। उन्हें जेसन बेरेंड्राफ ने अपना शिकार बनाया। वह बेरेंड्राफ की गेंद को पूरी तरह से चूक गए और LBW हो गए। भारत को दूसरा झटका कप्तान विराट कोहली के रूप में लगा। उन्हें जे रिचर्डसन ने 4th गेंद की 3री गेंद पर कैच आउट करा लिया। वह रिचर्डसन की गेंद पर गलत शॉट खेल बैठे और स्क्वायर लेग पर खड़े मार्कस स्टेनिस को कैच दे बैठे। कोहली ने 8 गेंदों में 3 रन बनाए। भारत का तीसरा विकेट अंबटी रायडू के रूप में गिरा। वह बिना खाता खोले LBW आउट होकर पैवेलियन लौट गए। रायडू को भी रिचर्डसन ने 4th ओवर में अपना शिकार बनाया।
दो विकेट जल खोने के बाद भारत को रायडू से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह टिककर बल्लेबाजी करने में नाकाम रहे। उन्हें ओवर की पांचवी गेंद पर खामियाजा भुगतना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया को पांचवा झटका पीटर हैंडसकॉम के रूप में 254 के स्कोर पर लगा। वह ताबड़तोब आदर्श के पारी खेलकर भुवनेश कुमार का शिकार बने। हैंडसकॉम ने 61 गेंदों में 73 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के मारे। उन्होंने 50 गेंदों में अपने वनडे करियर का दूसरा आदर्श शतक जमाए। टिक कर खेल रहे हैंडसकॉम को 48 ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया। वह भुवनेश्वर कुमार की गेंद को बाउंड्री के बाहर मारना चाहते थे, लेकिन शिखर धवन के हाथों वो कैच आउट हो गए। हैंडसकॉम ने 186 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद जूझ रही ऑस्ट्रेलिया टीम को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 5 विकेट के लिए मार्कस स्टेनिस के साथ मिलकर 68 रन की साझेदारी की और टीम को 250 के स्कोर को पहुंचाया। उनके विकेट पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 254 पर कुल इतना गिरा था। ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट शॉन मार्श के रूप में गिरा। एलेक्स कैरी के आउट होने के बाद क्रीज पर आए शॉन मार्श ने 68 की पारी खेली। उन्होंने 70 गेंदों में 4 चौके की मदद से 54 रन बनाए। ये उनके वनडे करियर का 13वां अर्धशतक है। उन्हें 48 ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने पैवेलियन की रास्ता दिखाया। शुरुआत में झटके के बावजूद रोहित शर्मा धोनी ने मिलकर टीम इंडिया को मैच में बनाए रखा। रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर भारतीय टीम को शुरुआत झटकों के बाद 137 रन की साझेदारी कर दी, जिसके चलते भारतीय टीम मैच में बनी हुई थी। लेकिन धोनी के गलत फैसले से आउट होने के बाद ये साझेदारी टूट गई। मैच के बाद रोहित शर्मा ने इशारे में मैच का टर्निंग पॉइंट बताया कि हार का कारण महेंद्र सिंह धोनी का गलत तरीके से आउट देना था। उन्होंने कहा, मैच में जीतने के लिए छोटी छोटी साझेदारी जरूर होती है। एक ओवर से साथ ही बल्लेबाजों का साथ में ना मिलना टीम के लिए सही नहीं रहा, जिसके चलते लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और नेट रन रेट बढ़ता गया।